हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गगन सनी दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और दोस्तों ये वीडियो होने वाली है कैटफिश के बारे में, जो कि एक कंप्लीट वीडियो मैं आज बनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू केयर कैटफिश। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, और आप उससे पहले मैं आपको चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉग फिश एंड रैबिट के बारे में अक्सर मैं जो है वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते रहता हूँ यूट्यूब पर। तो दोस्तों बात करते हैं आज इस कैट फिश के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि यदि आपके पास में कैटफिश है तो उसके लिए टैंक साइज मैं आपको बता दूं, ये जो फिशेज होती है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाती है, काफ़ी हार्ड फिशेज होती है, ये ठंडे गर्म पानी के अंदर भी इजी वे में सर्वाइव कर जाती है। बट इसके लिए आपको जो टैंक का साइज होना चाहिए वो लगभग 4 फीट या 3 फीट तो कम से कम होना ही चाहिए। सर्वाइव थी दोस्तों 2 फीट के टैंक में भी कर जाती है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ईजी वे में उस इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होती है और फिशेज के अकॉर्डिंग। अब बात मैं आपसे करता हूँ उसके टैंक की, फर्स्ट मैंने आपसे बात करी, सेकंड मैं आपसे बात करूँगा इस फिश की ग्रोथ की। तो ये जो फिशेज है ये जब आप अपने एक्वेरियम में लेकर के आते हैं इसका बेबी, तो ये आराम से आपको 6 मंथ के अंदर ही इसकी ग्रोथ जो है आपको ये फिशेज इतनी बड़ी बड़ी आपको हो जाएंगी नॉर्मल फूड से भी। शुरुआत में तो ये जो श्रिम्स वगैरह होते हैं इसके ऊपर ही डिपेंड होता है, शुरुआत में जल्दी से फूड जो है नॉर्मल फूड लेती नहीं है, ऑप्टिमम वगैरह ये श्रिम्स वगैरह जो है ये ज़्यादा लेती है। क्योंकि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, 1 मंथ इस फिशेज को हो चुका है, जब मैं लेकर के आया था तो उसका जो साइज़ था वो थोड़ा सा छोटा था, बट मैं इसको श्रिम्स वगैरह हैं और 2-3 तरीके के मेरे पास फूड हैं, ऑप्टिमम चॉकलेट फूड है वो भी बहुत ईजी वे में खाती है। लेकिन अब तो मैंने इस फिशेज को, कैट फिश को जो है इस तरीके से इसका रूटीन कर दिया कि यदि कुछ भी चीज़ मैं इसको डालूँ तो ये ईजी वे में खाना शुरू कर देती है। प्लस इसकी फीडिंग की हम लोग बात करें तो आप इस फिश को 2 टाइम फीड करा सकते हैं, 3 टाइम भी फीड करा सकते हैं, ये खाना बहुत इजी वे में पचा लेती है, क्योंकि इसको स्विमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये अक्सर आपको टैंक के अंदर इधर उधर कुछ ना कुछ चहल पहल करती हुई नज़र आएगी। और दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों बात करें इसके टैंक के फिल्टर के बारे में, तो आपको मैं बता दूं इसके अंदर आप नॉर्मल फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सोबो का फिल्टर लगा रखा है जो कि 15 वाट का है। तो आप इजी वे में जो है नॉर्मल फिल्टर लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास और फिशेस कौन कौन सी फिशेस हैं आपके पास में, उसके हिसाब से आप लगा दीजिए, वरना ये जो फिशेस है इसको तो आप नॉर्मली फिल्टर दे सकते हैं। और दोस्तों आपसे बात करूँ इसके इन्वायरमेंट के बारे में, तो दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंड्स आप सभी को जो है कुछ ना कुछ हिडन पैलेस इस टैंक फिश के, इस कैट फिश के जो टैंक है उसके अंदर आपको ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि ये जो फिश होती है ये दूसरे फिशेस को परेशान करती है और सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि कोई भी फिश आप देखोगे तो नीचे नहीं आने देगी उसको, कहीं उसको तुरंत जो है ऊपर की तरफ कर देगी। इसके मुंह के आगे जो ये इसके जो बाल हैं जो निकले हैं ये काफ़ी जो है फिशेज को परेशान करते हैं। जब आप अपने टैंक के अंदर हल्का फुल्का भी कोई हाथ वगैरह डालेंगे या कुछ चीज़ या फिल्टर वगैरह क्लीन करने के लिए निकालेंगे, तब जो कैट फिश होती है ये अचानक से जो है डर जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो फिशेज होती है ये अधिक ये ऊपर बहुत कमी से आती है, अधिकतर नीचे रहती है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये खेल रही है इस फिल्टर के साथ में, मैंने अभी कोई हिडन पैलेस इसके अंदर लगाया नहीं है, पहले था तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने निकाल करके रख दिया, बट मैंने जो है अब इसको इतनी अच्छी तरीके से मैं इसको मेंटेन कर लेता हूँ कि मेरी अब ये किसी भी फिशेस को परेशान नहीं करती है, जो कि मैं अपना 2 हफ्ते से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि मेरी किसी भी फिशेस को ये फिश जो है अब परेशान नहीं करती है। क्योंकि पहले शुरुआत में मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रखी थी इस फिश को ला करके, मैं भी सोच रहा था यार मैं किस फिश को ले आया, लेकिन बाद में जो है जब 2 हफ्ते के आसपास हो चुका, जब मैंने इसकी केयर के जब मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया इस फिशेज को, तो मैंने देखा यार ये तो फिशेज जो है इस तरीके से देती है। शुरुआत में आपको बता दूं जब मैं फिशेज लेकर के आया था तो होता ये था कि ये डर की वजह से जो है फिल्टर के नीचे जाके बैठ जाया करती थी या इधर उधर जाकर के छिप जाया करती थी, जिसकी वजह से जो हमारा हिडन पैलेस था वो मैंने हटा करके साइड कर दिया। और बीच में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया था जिसको हम पार्टीशन करना बोलते हैं। तो मैं जब इसको इस फिश को फीड कराता था तो मैं क्या काम करता था, जो मेरी सारी फिशेज होती थी वो मैं एक तरफ कर लिया करता था, और जो तुम्हारी कैट फिश होती थी ये दो वो उसको मैं एक पार्टीशन बना करके रख दिया करता था। और खाना जो होता था मैं इस कैट फिश को ज़्यादा दिया करता था, इधर की तरफ जो है हमारा नॉर्मल जो आप देख रहे हैं फिशेज को मैं देता था। तो उससे क्या होता था कि ये फिशेज जो है रात में खाना खाना शुरू किया, इसने शुरुआत टाइम पर खाना खाते था, वो भी रात में जब अंधेरा होता था ये जब फिशेज जो है जब खाना खाती थी। और उसके बाद में नॉर्मल मैंने फिर धीरे धीरे करके जो है इसको सभी सभी फिशेज के साथ में ऐड कर दिया, और ये अब अच्छे से मेरे टैंक में तो बहुत बढ़िया तरीके से रह रही है। अब ज़्यादा परेशान नहीं करती है, हल्का फुल्का करती है कभी कभार, लेकिन जैसे पहले करती थी वैसे अब कोई परेशान नहीं करती।
इसकी सबसे गंदी हरकत यह होती है कि जब ये सैंड जो होती है मेरे पास बहुत ज्यादा थी, तो मैंने जो है दूसरे वाले टैंक के अंदर कर दिया है, ये सैंड के नीचे भी दुपक जाती है, पूरी फिशेज एक सांप की तरह जो है वो दुपक जाती है। और फ्रेंड्स इस फिश को सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरुआत में होती है, ये बिगनर्स के लिए फिशेज नहीं है, फर्स्ट टाइम्स के लिए वाली फिशेज बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जब हम इसको फीड करते हैं, हम मछलियों को खाना देते हैं, और खाना देते समय जब आपकी फिशेज इस कैट फिश को खाना कम मिलता है, तब ये फिशेज दूसरी फिशेज को परेशान करती है, ये चीज़ श्योर है। यदि आपके पास पुरानी भी हो गई है तब भी मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों। प्लस इसकी लाइट के बारे में बात करें तो आप इसको यूवी लाइट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, एलईडी लाइट भी करा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो मेरे टैंक है इसके अंदर मैंने जो है 10 वाट की एलईडी लाइट लगा रखी है, जो सूर्य वालों की आती है, तो आप वो लगा सकते हैं, इससे लाइट को कोई दिक्कत नहीं होती। राइट, तो दोस्तों ये था आज का एक छोटी सी वीडियो कैट फिशेज के बारे में। आई होप मैं आपको आगे भी बेहतरीन और काफ़ी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके पास कौन सी फिश है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। आप किस फिशेस को लेकर के कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। प्लस आपके पास कौन सी फिश है आप मेरे को ज़रूर बताना, और आपकी फेवरेट फिश कौन सी है ये भी आप मेरे को ज़रूर बताना। फ्रेंड्स आई होप मेरे थ्रू जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो। थैंक यू फ्रेंड्स।